और धीरे धीरे उसके वो आदि हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, और फिर वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है, और उनका अपना जीवन तो नष्ट होता ही होता है, पूरे परिवार को भी वो बर्बाद करते हैं और भाग सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। गली में मोहल्ले में हमारी माताओं बहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है, जहाँ दो चार शराबी गली में आकर के हुड़दंग करने लग जाएं या और बदतमीजी करने लग जाएं। आप सब लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आज शराब और नशे की क्या स्थिति है। तो ये प्रस्ताव है कि हम हरियाणा सरकार से इस सम्मेलन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि पूरी तरह से इस प्रदेश के अंदर पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए। कहीं भी किसी प्रकार की ईट भट्ट लगाने के बदले ये हम नहीं चाहते कि आप उन पंचायतों से प्रस्ताव मंगवाएं जो अपने गांव में शराब का ठेका नहीं खोलना चाहते। इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसमें पुलिस को ये अधिकार दिया है, एक्साइज डिपार्टमेंट को ये अधिकार दिया है कि उस गाँव का सर्वे करो कि उस गाँव में क्या कोई नकली शराब तो नहीं बिकती है, और वो नकली शराब वही ठेकेदारी बिकवा देते हैं और उसके मुकदमे दर्ज करा देते हैं, और उसके बाद सरकार को बहाना मिलता है क्योंकि अगर हम ठेका बंद करेंगे तो नकली शराब बिकेगी, इसलिए ठेका बंद नहीं हो सकता। आप आश्चर्य करेंगे कि कितने तरीके से, और शराब को जीवित रखने के लिए, इसको चालू रखने के लिए कि ये चलती रहे और हमको पैसा देती रहे, मुनाफा हमको मिलता रहे, तो इस तरह से जो भी सरकार आती है वो शराब को अपना व्यापार और व्यवसाय बनाती है। इसलिए ये सम्मेलन स्पष्ट रूप से वर्तमान सरकार से ये प्रार्थना कर रही है, मांग कर रही है कि अपना कार्यकाल पूरे करते करते आप इस शराब के ऊपर पूरा प्रतिबंध लगाइए मजबूती के साथ। आर्य समाज का संगठन और बहुत सारे सामाजिक संगठन इस कार्य में यदि हमारी मदद सरकार चाहेगी तो शराबबंदी के लिए हम निश्चित रूप से जागृति का काम करने में, समाज को जागरूक करने में पूरा अपना भूमिका निभाएंगे। पहला प्रस्ताव, हरियाणा को पूर्ण शराब मुक्त प्रदेश घोषित किया जाए। दूसरा प्रस्ताव, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा अश्लीलता परोसी जा रही है, खासतौर पर पोर्नोग्राफी जो आती है जिसमें गंदे गंदे चित्र और ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि मैं यहाँ शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आप में से बहुत सारे लोगों के सामने ऐसी चीज़ें फोन इस टेलीफोन के ऊपर आती होंगी, आप देखते भी होंगे, उनसे हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे नवयुवकों के ऊपर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमारी ये मांग है, केंद्र सरकार से मांग है, और हरियाणा सरकार इस मांग को वहाँ तक पहुँचाए कि जो सोशल मीडिया जिसमें इंटरनेट के जितने भी प्रकल्प हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो जो है व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे और सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर जिस भी रूप में पोर्नोग्राफी, अश्लीलता, नग्नता या ऐसी फूहड़ किस्म की चीज़ें जो बच्चों को या नौजवानों को बर्बाद करती हैं, उनको दिशा भ्रम करती हैं, उनको बंद किया जाए, उसका जो तरीका सरकार निकालना चाहती है उसको निकालना चाहिए। तीसरा जो प्रस्ताव है वो है शिक्षा के अंदर संस्कार और नैतिक मूल्य, पूरी शिक्षा प्रणाली में संस्कारों का समावेश नहीं है। विषय वस्तु है, गणित पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सब कुछ होगा, किंतु कोई ऐसा पाठ या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं लगाया गया जिससे बच्चों को संस्कार भी सिखाने के लिए कोई एक स्पेशल टीचर वहाँ पर नियुक्त हुआ। और उसके साथ साथ नैतिक मूल्य, उसी किताब के अंदर ये बताया जाना चाहिए बच्चे को, चाहे वो पहली क्लास का जो छोटा, जो जिसको कहते हैं पहली प्राथमिक, जिसकी अभी शुरुआत हो रही है पढ़ाई की, और चाहे वो MA तक का स्टूडेंट हो, जिसका जो लेवल है उसी लेवल की नैतिक शिक्षा, उसी लेवल की संस्कारों की शिक्षा अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में लगाई जाए, जिसमें कोई किसी किस्म का ये भेदभाव नहीं होगा कि इसको किस मजहब का आदमी मानेगा या किसका नहीं मानेगा। वो पाठ्यक्रम में निश्चित है तो सबको उसको पढ़ना और पढ़ाना अनिवार्य किया जाए, और उसके साथ साथ संस्कृत भाषा को भी उसके अंदर अनिवार्यता दी जाए, ताकि हमारे संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे दर्शन हैं, चाहे वेद हैं, चाहे प्राचीन जितना भी हमारा साहित्य है, वो सारा संस्कृत में भरा पड़ा है, और संस्कृत को गायब कर दिया तो कौन उनमें से निकाल करके देगा आपको निष्कर्ष कि वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है। मुश्किल से थोड़े बहुत गुरुकुल इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, बाकी सारी शिक्षा प्रणाली नकारा होकर के खड़ी हो गई। इसलिए हम कहते हैं संस्कार, नैतिक मूल्य और संस्कृत भाषा, इसको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में, उसके करिकुलम में जोड़ा जाना चाहिए। और आखिरी प्रस्ताव है,
गोरक्षा के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हमने पीछे भी एक यात्रा निकाली थी प्रदेश में और उसमें ये मांग उठाई थी कि आप शेर को राष्ट्रीय पशु बनाते हो, आप मोर को राष्ट्रीय पशु बनाते हो, क्या उपयोगिता है? हम चाहते हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, अच्छी जगह जहां उनका स्थान है वहाँ रहें, सुरक्षित रहें। वाइल्ड एनिमल को, हिंसक जीव जितने भी, उनको मारा जाना कोई व्यवहारिक बात नहीं है। मोर भी बहुत शोभा देता, अच्छा सुंदर लगता, उसका स्थान है जहाँ जंगल में पार्क में रहता वहाँ उसको रहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार से गोवंश को नष्ट किया जा रहा बड़ी तेजी के साथ, वो हमारे लिए सबके लिए चिंता और बहुत बड़ी चुनौती की बात है। और वो तब बचेगी जब कानून बनेगा इस देश का कि गोवंश गाय राष्ट्रीय पशु है, इसको कोई नहीं मार सकता। भारत के रहने वाला कोई भी आदमी, चाहे वो कोई लाइसेंस ले रखा है या बिना लाइसेंस के मारता है, उसके ऊपर कानूनी बैन होगा कि गाय को प्रतिबंधित कर दिया गया इस देश के अंदर, क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु के दर्जे के तौर पर माना जाता है। वैसे भी भारत की संस्कृति में गाय का महत्व तो कितना ऊंचा आप सभी लोग जानते हैं। गौ माता के रूप में उसको हम मानते पुकारते और अपने हृदय में श्रद्धा देते हैं। ऐसी गौ माता की जो आज स्थिति बनी है, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इसमें कई बातें हैं। नंबर एक, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। नंबर दो, गोवध पर प्रतिबंध जिस भी तरीके से जिन जिन प्रांतों में अभी खुला है, केरल में खुला है, बंगाल में खुला है या एक दो स्टेट और हैं, उनके अंदर भारत सरकार को चाहिए कि अपना स्पेशल इस बारे में संज्ञान लेकर के उन प्रांतों को बाधित करे कि वहाँ पर गोवंश के ऊपर जो भी वहाँ बुचड़खाने हैं वो सब के सब बंद होने चाहिए। भारत की पवित्र भूमि पर बीफ जो है, गाय का मांस, किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जब वो मरेगी नहीं तो गाय के मांस का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये भी साथ जोड़ रहा हूँ कि गौ मांस का जो निर्यात हो रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। निर्यात तब होता है जब बूचड़खानों में गाय कटती, उन्हीं गायों का मांस, उन्हीं गायों का रक्त जो है डब्बों में बंद करके सारे खाड़ी के देशों में और यूरोप के देशों में जाता है और वहाँ पर उसको लोग अपना खाते हैं बीफ को। तो गो मांस का निर्यात बंद होना चाहिए, गोवंश पर बंद लगना चाहिए। और सबसे अंतिम इसका हिस्सा जो इस प्रस्ताव का है, जितनी गोचर भूमि है गांव के अंदर, उन गोचर भूमियों के ऊपर सरकार की तरफ से जो लावारिस जो गोवंश घूम रहा है, चाहे वो बछड़े हैं, बैल हैं या ऐसी गाय है जो दूध नहीं देती हैं, घर के लोग खोल देते हैं घूमने के लिए, बेचारी धक्के खाती रहती हैं, पॉलीथीन खाती हैं, कहीं न कई जगह ऐसे ढंग का बहुत ही गलत चीज़ें भी खाती हैं और ऐसा हालत उनकी हो जाती है कि पेट में जब उनको कई बार बीमारी होती है तो जब उसकी ऑपरेशन होता है तो 40-40 किलो उसके अंदर से कूड़ा, करकट और पॉलीथीन निकलते हैं। हमने गाय की क्या तस्वीर बना दी, गोमाता के नारे नारे लगाने में हम बैठे हुए हैं और इसके लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं, ना सरकार कुछ करती और ना हम कुछ करते। हम भी अपने घरों में कोई गाय रखना नहीं पसंद करते, हमें भी भैंस चाहिए, अच्छी भैंस जो 2 लाख रुपए की आएगी वो लाओ, उसमें दूध वो पिएंगे। गाय का कोई महत्व रहा नहीं समाज के अंदर, और गाय नहीं तो हमारी संस्कृति नहीं। इसलिए गोवंश को लेने के लिए जितने गोचर भूमि हैं उन पर गांव पंचायत को लो, आप विश्वास में लो, या नगर निगम को लो, या सरकार स्पेशल कोई इसका विभाग अलग बनाए, जो गोचर भूमि है उसके ऊपर गोवंश के लिए उनकी शरण स्थली, उनके शेल्टर्स बने, वहाँ पर गोवंश रहे, उनके चारे की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ऊपर शेड बने हों। दुनिया भर की फिजूल की बातों में अरबों अरबों रुपया लग जाता है, किंतु जिस चीज़ के लिए पैसा चाहिए वहाँ आकर के पैसे के अंदर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं होता है। आज गाय को जो ग्रांट मिल रही है, मैं सारी गौशालाओं की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ, 22 पैसे एक गाय को एक दिन के चारे के लिए देते हैं लोग। बंद करो उस 22 पैसे को, नहीं चाहिए ऐसा भाई। 22 पैसे में क्या आएगा मुझे बताइए। 13 रुपये एक गाय को, एक गोवंश को मिलता था गौशाला को, आज वो 22 पैसे हो गया। और गायों के नारे लगाते हैं और गौ के नाम पर वोटे मांगते हैं लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गोवंश को बचाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और हमारा ये सम्मेलन ये मांग करता है कि हम चाहते हैं कि गोवंश बचाने के लिए 4-5 बातें जो इसमें डाली हैं, हम इसको अखबार में भी देंगे, सरकार को विधिवत लिख करके भी भेजेंगे, डेलीगेशन लेकर के भी मिलेंगे। और हम चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति को अगर बचाना है तो ये चारों बातें जो आज इस प्रस्ताव में रखी गई हैं, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता, नग्नता, भद्दापन, स्त्रियों का अपमान, ये सारा जो आ रहा है सोशल मीडिया पे, ये बंद हो। जो तरीका निकालना हो निकालिए। आप गूगल जाते हैं, गूगल को चीन ने फूगल में बदल दिया, कोई गूगल नहीं चलता चीन के अंदर।
वो अश्लीलता को नहीं पसंद करते और हम खोले बैठे, छोटे छोटे बच्चे भी खोलते हैं उसको और उसको देख करके फिर ठुमके में लगाते हैं। कहाँ संस्कृति और कहाँ संस्कार बचने वाले हैं मुझे बताइए। इसलिए इनके ऊपर प्रतिबंध जब लगेगा तो कहीं ना कहीं से रुकावट शुरू हो जाएगी। ऐसे शिक्षा में संस्कार, नैतिक शिक्षा, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। संस्कृत भाषा को बहुत अधिक विशेष रूप से सम्मान और स्थान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। गाय का जो है वंश बचेगा तो गौवंश को सारे देश के अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके और जो बातें उसके साथ जुड़ी है पूरी होनी चाहिए। ये प्रस्ताव मैं रख रहा हूँ और आने वाले वक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि इनके परिप्रेक्ष्य में आप अपनी बात जरूर कहेंगे, बाद में आप सब लोगों की सहमति से ये प्रस्ताव पारित करवा करके हम सरकार को, संबंधित एजेंसियों को, भारत सरकार को भी भेजेंगे ताकि आर्य समाज का जो मंतव्य है इन सामाजिक मुद्दों पर वो स्पष्ट रहे। हम पूरी देश के अंदर चाहते हैं शराब बंद हो जाए, किंतु ये हरियाणा का आर्य महासम्मेलन है इसलिए हरियाणा के स्तर पर ये बात हमारी यहाँ पर हमने कही है, किंतु केंद्र सरकार से तो हम हमेशा यही कहते हैं कि एक प्रदेश में अगर बंद हो जाएगी तो आसपास के प्रांतों में जो शराब बिकती है उसके कारण से स्मगलिंग होगी और फिर और ज़्यादा अपराध बढ़ेंगे। इसलिए शराब बंद हो तो पूरे देश में ही होनी चाहिए, होना यही चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश में शराब पर प्रतिबंध है, हमारे देश का पत्रकार जाता है तो वहाँ एयरपोर्ट पर उसके बैग की तलाशी ले लेते हैं, कितनी शराब की बोतल लेकर के आए हो, दो बोतल से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। और होटल के भीतर बैठ करके पियो, पीने के बाद नशा उतर जाए तब सड़क पर उतरना, नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगे। पाकिस्तान में ये सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में गोवंश के ऊपर प्रतिबंध लगा है कि वहाँ कोई गाय नहीं कटेगी और हम लोग हैं कि गाय भी काटें, शराब भी पिलाएं, सारी खातिरदारी विवाह शादी से लेके विदेशी और स्वदेशी मेहमानों की, हमारा स्टेटस हो गया कि शराब ना परोसी तो मेहमान नाराज हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये सारे मूल्य बदलने होंगे और इसके लिए आप सब लोग अपने सिर पर कफन बांधो, रात दिन गांव में इधर उधर एक वातावरण तैयार करो शराब के खिलाफ और इन सारी बातों को लेकर के। आर्य समाज अब आगे बहुत सक्रियता से काम करेगा, सार्वदेशिक सभा, इसको पूरे देश के अंदर सारी हमारी प्रांतीय सभाएं इन मुद्दों को लेकर के हर प्रांत में इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। मैं चाहूँगा ये सम्मेलन भी इन प्रस्तावों को पारित करे और इनके ऊपर आगे काम करे। आप सबका धन्यवाद। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।